हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। दोस्तों, बिग बिलियन डे स्टार्ट होने वाले हैं और इसका लोगों को 6-6 महीने साल भर का भी इंतजार होता है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो फोन्स की रेट है काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाता है। इसमें हमें फोन के ऊपर काफ़ी बड़े बड़े डिस्काउंट देखने को मिलते हैं, काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के ऊपर भी देखने को मिलते हैं, लेकिन दोस्तों फोन के ऊपर स्पेशली काफ़ी बड़े बड़े डिस्काउंट देखने को मिलते हैं। और अगर हम बात करें, पिछले 2 महीने से ऐसे ऐसे फोन्स लॉन्च हो रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। मोटो H40 की बात करें, मोटो H40 Neo की बात करें, या फिर दोस्तों अगर हम बात करें IQ की तरफ से आने वाले फ़ोन, इन्फिनिक्स की तरफ से आने वाले फ़ोन, दोस्तों सबके ऊपर काफ़ी बड़े बड़े डिस्काउंट देखने को मिल जाएंगे। जो कि पहले से ही एक वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है, उसके ऊपर अगर हमें काफ़ी बड़े डिस्काउंट देखने को मिल जाते हैं, दोस्तों काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस में फ़ोन बन जाता है। आज हम बात करने वाले हैं Infinix Zero 30 के बारे में दोस्तों, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ था, काफ़ी बड़े स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च हुआ था, अराउंड 22,000 rupees का लॉन्च होता है। दोस्तों आज अगर आप इस फ़ोन को लेने जा रहे हो तो आप इस वीडियो को क्लियरली पूरा देख लो, आपको समझ में आ जाएगा ये फ़ोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। दोस्तों बात करें Infinix Zero 30 के डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन आपको काफ़ी बड़े देखने को मिल जाता है। बैक साइड में वेगन लेदर और ग्लास फिनिशिंग दोनों का ही ऑप्शन देखने को मिल जाता है। मुझे पर्सनली वेगन लेदर काफ़ी बड़े पसंद आया दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करें इसके डिस्प्ले की, क्योंकि दोस्तों डिस्प्ले आपको कर्व देखने को मिल जाता है, तो कंटेंट कंज्यूम करने में आपको काफ़ी बढ़िया फील होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको 6.7 इंच का काफ़ी बड़ा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि एक एमोलेड डिस्प्ले, फुल HD एमोलेड डिस्प्ले। इसमें दोस्तों आपको HDR10 का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा और 144Hz के फास्टर रिफ्रेश के साथ आता है। तो दोस्तों आपको डिस्प्ले में कंज्यूम करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आप कंटेंट बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हो, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, तो डिस्प्ले स्मूथ भी है, कलर भी आपको काफ़ी बड़े देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले है। और दोस्तों ये कर्व डिस्प्ले है, तो आपको कंटेंट कंज्यूम करने में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी देखने को मिल जाता है। फोन काफ़ी ज़्यादा थिन है, 7.9 mm की थिकनेस के साथ फोन आ जाता है, और आपको लाइट वेट देखने को मिल जाएगा, 180 ग्राम के आसपास में आपको वेट देखने को मिल जाएगा, जो कि फोन काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट भी हो जाता है। दोस्तों ओवरऑल आपको डिस्प्ले और डिजाइन दोनों ही काफ़ी बड़े देखने को मिल जाता है। बात करें प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर के मामले दोस्तों इसमें आपको देखने को मिल जाएगा MediaTek Dimensity 8020 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर है, काफ़ी वैल्यू फॉर मनी फोन बना देता है दोस्तों ये इस प्रोसेसर के साथ फोन को, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको आधा स्कोर देखने को मिल जाएगा 7,20,000 का। और जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था हमारा मोटो H40, काफ़ी ज़्यादा लव किया गया फोन था, काफ़ी पसंद किया गया फोन था दोस्तों। उसमें हमें अराउंड देखने को मिलता था 6,90,000 के आसपास में आंतरिक स्कोर देखने को मिल जाता था। ये फ़ोन उससे भी आगे चला जाता है दोस्तों, इसकी प्राइसिंग उससे लगभग 8,000 रुपये कम है, लेकिन फिर भी आंतरिक स्कोर उससे भी आगे चला जाता है। परफॉर्मेंस के मामले दोस्तों हम कह सकते हैं कहीं कहीं पे ये उससे काफ़ी आगे चला जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको पबजी मोबाइल देखने को मिल जाएगा 90 FPS पे, और बाकी गेम आपको 60 FPS पे देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी बड़ी बात है दोस्तों, काफ़ी वैल्यू फॉर मनी फोन बन जाता है। अगर हम प्रोसेसर के मामले देखें, प्रोसेसर के मामले दोस्तों आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाएगा, इसमें 144 का फास्ट रिफ्रेश रेट है, इसी हिसाब से दोस्तों प्रोसेसर इसको काफ़ी ज़्यादा स्टेबल बना देता है, आपको काफ़ी स्मूथ फील होगा। आप बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करते हो या फिर दोस्तों सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हो, ऐप्स यूज करते रहते हो, गेमिंग भी करते हो दोस्तों, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, गेमिंग भी आप बढ़िया तरीके से कर सकते हो, काफ़ी स्मूथ गेमिंग कर पाओगे आप इस फोन में। अगर हम बात करें बैटरी की, तो बैटरी के मामले दोस्तों फोन लाइट वेट है, फिर भी हमें देखने को मिल जाती है 5000 mAh की बैटरी, और इनबॉक्स 68W का चार्जर भी देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। वैसे दोस्तों मोटो H40 में हमें इनबॉक्स चार्जर भी देखने को मिलता था 68W का ही, लेकिन उसमें वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता था, इसमें नहीं है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि क्योंकि दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा वो भी फोन आसपास में प्राइसिंग में देखने को मिल जाएगा इस सेल में, तो आप मोटो H40 की तरफ भी जा सकते हो। और मोटो H40 का दूसरा भाई भी आ चुका है, मोटो H40 Neo, उसमें भी हमें इनबॉक्स चार्जर भी देखने को मिल जाता है, और IP68 रेटिंग भी देखने को मिल जाती है, जो कि इस फोन में हमें IP53 की रेटिंग देखने को मिलती है, लेकिन उस फोन में हमें IP68 रेटिंग की ऑप्शन देखने को मिल जाती है। अगर दोस्तों प्रोसेसर के मामले फोन बढ़िया है ये वाला आपको देखने को मिल जाएगा, बैटरी भी आपको काफ़ी बड़ी देखने को मिल जाएगी, लेकिन दोस्तों इसमें आपको बैटरी बैकअप थोड़ा बहुत कम देखने को मिल जाता है, क्योंकि 144 का फास्ट रिफ्रेश रेट है, तो आपको बैटरी बैकअप थोड़ा बहुत आपको कम देखने को मिल जाएगा, हार्डली आपको 1 डे का बैकअप निकाल के दे देगा। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कनेक्टिविटी, तो कनेक्टिविटी के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं है, सारे कनेक्टिविटी के ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, जितने भी आपको 40,000 rupees के अराउंड फोन में देखने को मिलते हैं सब कुछ देखने को मिल जाएगा। आपको Wi-Fi 6 का सपोर्ट या फिर आपको देखने को मिल जाएगा 5G के 14 बैंड, कोई भी ऑप्शन आपको सारे देखने को मिल जाएंगे। बात करें इसमें आपको सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर के मामले में फोन आपको काफ़ी क्लीन वे के साथ देखने को मिल जाएगा, कोई भी फालतू के ब्लूटूथ ऐप देखने को नहीं मिलेंगे, इन्फिनिक्स से थोड़े बहुत ऐप में जो कि आप डे टू डे यूज़ करोगे, और दोस्तों आपको कोई भी फालतू के ब्लूटूथ ऐप देखने को नहीं मिलेंगे। मोटो के तरह ही आपको काफ़ी क्लीन वे देखने को मिल जाती है, लेकिन अपडेट के मामले में फोन पीछे रह जाता है, ओनली 1 ईयर का मेजर अपडेट और 2 ईयर के सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिल जाएंगे, जो कि अपडेट के मामले में फोन पीछे रह जाता है, तो आप उस चीज़ का पूरा ध्यान रखना। इसके बाद अगर हम बात करें कैमरे की, तो कैमरे के मामले में फ़ोन दोस्तों पीछे नहीं रहता, क्योंकि मोटो H40 और मोटो H40 Neo से मैं कह सकता हूँ थोड़ा बहुत ये कैमरा उनको बीट कर देता है, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाएगा 108 MP का, एक OIS कैमरा देखने को मिल जाएगा जो कि सैमसंग का अपना कैमरा है, और दोस्तों इसमें आपको 13 MP का अल्ट्रावाइड भी देखने को मिल जाता है, और 2 MP का एक्स्ट्रा कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो कि दोस्तों मेन कैमरे में हमारे हो जाते हैं 108 और
14 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। दोस्तों इसमें आपको फोटोज काफी बड़े देखने को मिल जाते हैं। मोटो के फोन में कभी कभी बूस्टर कलर आते हैं, लेकिन इसमें दोस्तों ऐसा नहीं है। क्लियरिटी भी आपको काफी बड़े देखने को मिल जाएंगे, कलर भी आपको एक्यूरेट देखने को मिल जाएंगे। ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि कैमरा आपको मोटो एज 40 और मोटो एज 40 न्यू से थोड़ा बहुत बेटर देखने को मिल सकता है, लेकिन दोस्तों वीडियो क्वालिटी के मामले में उन दोनों को ये काफी पीछे छोड़ देता है। क्योंकि दोस्तों इसमें आपको 4K 60fps का आपको रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, फ्रंट कैमरे से भी और बैक कैमरे से भी। दोस्तों इस प्राइसिंग में आपको कोई भी ऐसा फ़ोन नहीं मिलने वाला, आपको अराउंड 13,000 रुपीज़ भी कोई ऐसा फ़ोन नहीं मिलने वाला जिसे आप सेल्फी कैमरे से 4K 60fps का रिकॉर्डिंग कर सकते हो। दोस्तों इसमें आपको दोनों कैमरे से 4K 60fps रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और अगर आप अल्ट्रा वाइड से वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो उसमें भी आप 4K 30fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। दोस्तों वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में ये फ़ोन काफ़ी बड़ी अचीवमेंट लेके आता है। दोस्तों ओवरऑल ये फ़ोन आपको कैमरे के मामले में, प्रोसेसर के मामले में काफ़ी बड़े देखने को मिल जाता है, लेकिन दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जैसे कि इसमें आपको अपडेट कम देखने को मिल जाते हैं। बैटरी बैकअप आपको वन डे का एक एवरेज सा बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा, और इन्फिनिक्स ब्रांड है जिसके ऊपर ट्रस्ट थोड़ा सा कम करते हैं लोग, तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखना। ओवरऑल मेरे हिसाब से तो आप इस फ़ोन की तरफ जा सकते हो अगर आप इतना ज़्यादा अपडेटेड नहीं रहना चाहते तो। दोस्तों आपका ओपिनियन क्या है कमेंट करें, जो बताना वीडियो से तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।